खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक बड़ा बयान दिया, कहा नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं। इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष में कुछ लोग उन्हें जिंदा गाड़ना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग उनका सुरक्षा कवच है और जनता उन पर कोई आंच नहीं आने देगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए दिग्गज नेता ने कहा कि नकली शिवसेना उन्हें इस तरह से गाली देती है कि इससे उससे इसका अपना पसंदीदा वोट बैंक खुश होता है। बिल्कुल, तो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति को भी समझ पाना बड़ा कठिन है। यहाँ पर नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया। देखिए अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। महाराष्ट्र में जब आप बात करेंगे चुनाव की, देखिए ये रही खबर, नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं, यानी कि सीधा सीधा आरोप जो है या कह लीजिए इशारा जो है, निशाना जो है, वो उद्धव गुट पर लगाते पीएम मोदी नजर आए हैं। साफ तौर पर कहा गया विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं और साथ ही उद्धव शरद पवार को उन्होंने सलाह दी, कांग्रेस के साथ मरने से बेहतर अजीत शिंदे के साथ हो जाओ, ये भी बात पीएम मोदी ने कही है। तो काफी बड़ी बात ये कही गई है। कांग्रेस जानती है वो विकास के मामले में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए उसने झूठ की फैक्ट्री खोल ली है, इन बातों का जिक्र भी किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस की हालत चोर जैसी हो गई है, यानी कि चोर मचाए शोर जैसी, इन बातों का जिक्र करते हुए न केवल उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है बल्कि शरद पवार जो कि दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा है उन पर भी निशाना साधा है। देखिए इस खबर को नवभारत टाइम्स ने भी छापा है, विपक्ष मुझे जिंदा गाड़ना चाहता है पर जनता मेरा सुरक्षा कवच, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहा। और अब देखिए सबसे अहम चीज है कि ये जो निशाना साधा जा रहा है वो शिवसेना के उद्धव गुट पर है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नकली शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, जब बात तुष्टिकरण की राजनीति करने की आती है तो वो बयानों में भी तुष्टिकरण नहीं छोड़ते हैं। और महाराष्ट्र में देखिए ये बयान दिया गया है क्योंकि आपको याद होगा जिस दौरान सत्ता बदल रही थी तो हर कोई अपने आप को असली शिवसेना कह रहे थे, बिल्कुल, चाहे उद्धव गुट हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, लेकिन हालांकि कोर्ट में कहा जाए तो एकनाथ शिंदे की जीत हुई और इसीलिए उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहकर एक तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कह रहे हैं कि मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं लेकिन मेरा सुरक्षा कवच कोई और नहीं बल्कि मेरी जनता है। बिल्कुल, देखिए और जिस तरह से अचानक से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था वो हम सभी ने देखा था, रातों रात जो पूरा गेम है वो चेंज हो गया था। ऐसे में अगर फिलहाल हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तो महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो काफी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके जरिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर किस पार्टी की जीत होगी, क्या एनडीए जीतेगी या फिर इंडिया अलायंस जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी हो जाता है चारुल, कि शिवसेना जो है यानी कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो जितनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हैं और जितनी मजबूती के साथ उनकी बातों का प्रभाव महाराष्ट्र की जनता पर पड़ता है वो हम सभी जानते हैं। चाहे कोर्ट की ओर से फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया हो, लेकिन बावजूद इसके अपने आप को एक लौता और सच्चा शिवसेना का हिस्सा बताते हैं उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे या शरद पवार की अगर हम बात कर ले तो दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। वजह भी बहुत स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि नकली शिवसेना, उद्धव गुट नकली शिवसेना इसलिए प्रधानमंत्री की नजर में क्योंकि आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि स्थिति चाहे कैसी भी आ जाए लेकिन कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं किया जाएगा। आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है उद्धव ठाकरे और शरद पवार साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी, हालांकि राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर कभी भी परिस्थितियां बदल सकती है, जो नेता सुबह एक पार्टी में है वो शाम को दूसरी पार्टी में शपथ ले रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद
नकली शिवसेना कहकर एक सरकास्म कह लीजिए तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हालांकि चुनाव का दौर है तो तंज कसना भी लाजमी है और कोई भी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार करने से फिलहाल नहीं चूक रही। बिल्कुल देखिए चारुल, वो दौर भी मुझे याद आ रहा है जब नीतीश कुमार ने अचानक से बीजेपी को अलविदा कह दिया था और उस दौरान बीजेपी के तमाम नेता जो है वो प्रतिक्रिया दे रहे थे कि अब चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार आने की भी कोशिश करेंगे तो भी हम उन्हें वापस नहीं आने देंगे। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि राजनीति में संभावनाएं अपार हैं और हर एक चीज पॉसिबल है, ऐसे में अगर बिहार में एकता वापस हो सकती है जेडीयू और बीजेपी की तो आखिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं। ऐसे में इस तरह का तंज कस